अगर यूनिवर्स स्टार्स से भरा हुआ है तो ये व्हाइट क्यों नहीं नजर आता, और अगर ये व्हाइट होता तो कैसा दिखता? क्या सारे ब्लैक होल्स अचानक दिखने लगेंगे? और अगर हमारा आसमान पूरा व्हाइट होता तो क्या हमें तब भी स्टार्स नजर आते? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी, और ये है क्या हो अगर यूनिवर्स ब्लैक की जगह व्हाइट हो। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ब्लैक एक कलर नहीं है। जहां तक फिजिक्स की बात है ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए लाइट वेव्स के विजिबल यानी आंखों को नजर आने वाले स्पेक्ट्रम को कलर कहते हैं। एक ब्लैक चीज स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स को सोख लेती है, यानी ब्लैक का मतलब किसी कलर का ना होना। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट सारे कलर्स का एक मिक्सचर है और इसमें विजिबल लाइट की सारी वेवलेंथ्स मिली होती हैं। कलर दुनिया को देखने के हमारे दिमागी नजरिए का हिस्सा है, लेकिन अगर यूनिवर्स के इतिहास की तरफ मुड़कर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक वक्त पर व्हाइट हुआ करता था। जब बिग बैंग से यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तब इसमें रोशनी देने के लिए कोई स्टार्स नहीं थे। ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के एक गर्म सूप के साथ साथ ओपेक भी था, यानी इसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। लगभग 3 लाख साल बाद स्पेस ठंडा हुआ और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पेयर करते हुए एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो गया, पर आपके लिए ये पूरी तरह से अंधेरा होता क्योंकि रोशनी का एक भी सोर्स अब तक बना नहीं था। ये कॉस्मिक रूप से अंधेरे युगों का दौर था। ये तब शुरू हुआ जब सबसे पहले स्टार्स ने हीलियम में हाइड्रोजन को फ्यूज करना शुरू किया। ये स्टार्स हमारे सूरज से 300 गुना ज्यादा भारी और लाखों गुना ज्यादा चमकदार थे। ये कुछ लाखों सालों तक चमकते रहे और फिर सुपरनोवा में बदलकर फट गए। उन पहले स्टार से निकलने वाली बढ़ती रेडिएशन ने हाइड्रोजन एटम्स को आयोनाइज किया, जिससे वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में बंट गए, और तब हमारा अंधेरा यूनिवर्स रोशन हुआ और अल्ट्रावायलेट प्रोटॉन से भर गया। तो ये वैसा ही क्यों नहीं बना रहा? इन सारे नए स्टार्स और गैलेक्सीज के बाद भी क्यों हमारा रात का आसमान अब रोशन नहीं रहता? इसे ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। अगर यूनिवर्स ब्लैक की जगह व्हाइट दिखता तो इसका मतलब होता कि ये बेहद पुराना है, बेहद बड़ा है और साथ ही साथ रुका हुआ भी है। मतलब ये वो यूनिवर्स नहीं रह जाएगा जो ये इस वक्त है। हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स 14 अरब सालों से भी कम पुराना है। ये सुनने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है, पर याद रहे कि रोशनी के ऊपर भी स्पीड लिमिट होती है। हम सिर्फ उन स्टार्स को देख सकते हैं जो हमसे 14 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। इससे ज्यादा दूरी पर मौजूद स्टार्स की रोशनी अब तक अर्थ तक नहीं पहुंच सकी है। जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है, स्टार्स के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये स्टार्स हमसे दूर जाते जा रहे हैं, इनसे निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ बढ़कर लाल की तरफ खिसकती जा रही है, जब तक ये इतनी लंबी नहीं हो जाती कि इंसानी आंखों से इसे देखा ना जा सके। हमारे यूनिवर्स के ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे ये एक और वजह है। स्पेस हर तरह की रेडिएशन से भरा है, बस आप उन्हें देख नहीं सकते। और ब्लैक होल्स का क्या? अगर हमारे यूनिवर्स में एक बेहद ताकतवर सोर्स से भी रोशनी चमकती है तो भी आपको कोई ब्लैक होल्स नहीं नजर आएंगे। ब्लैक होल्स में इतनी तेज ग्रेविटी होती है कि इनमें से कोई भी रोशनी नहीं निकलती, और इसीलिए इन्हें कभी देखा नहीं जा सकता। और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहें व्हाट इफ हिंदी के साथ।